जिंदगी में ऐसा काम कभी हुए जो कागज स्वीकार नहीं किया है जी। मैं हमेशा करता हूँ, हाँ जी बहुत अच्छा खाना है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हमारे को, सुबह और शाम यही खा लेते हैं। कमी क्या लगती है? कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल हाँ जी हाँ जी बिल्कुल अच्छा है जी। आप लोग पहले आते हैं? नहीं रोज आते हैं, नहीं नहीं रोज आते हैं, नहीं आते हैं आप लोग। दोस्त मंडी से आए हो? हमारी मंडी में बहुत जोरदार चल रहा है जी, ये रसोई का बहुत जोरदार जी, बहुत जोरदार। इस रसोई में मैं दो तीन हाँ राउस मंडी का देख लूँ और वहाँ भी ये रसोई करें, बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बार आज खाना खाया मानगढ़ से और मैं स्कूल भी चला सकूँ, स्कूल चलाता हूँ मैं, आदर्श पाल निकुंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल है मेरा। तीसरी बार खाना खाया सर यहीं पे खाया। ये बताओ आप जब स्कूल चलाते हो हाँ जी, तब भी आपको यहाँ आगे खाना खाने का? नहीं सर, हाँ मन क्योंकि जब घर से नहीं लेके आते, मेरा टाउन में रहता हूँ तो कभी घर से नहीं लेके आते, तो जैसे आज सुबह से सभा में थे उधर से, तो मेरा भूख लग रही थी, सुबह से कुछ खाया नहीं सर, मटर पनीर सुबह के भूखे थे, तो आज भूखे थे ठीक है, पता लगे तभी आप आ रहे हो, लेकिन आपसे पहले ना यहाँ पे चार चार रोटियां खा चुके हूँ, बढ़िया 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 टेस्टी खाना है भाई, और बताया सर मतलब बहुत अच्छा गर्जा सा, मैंने एक उनको कहा मैं कहा साथ में एक प्याज और देते ना तो गरम भी लिखा कमी बता दी कमी क्या लगी? कमी नहीं सर, खाना बहुत खाना बोले सर, मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, आटा भी बढ़िया एकदम, बेसिकली पंजाबी हूँ सर, सरदार हूँ बेसिकली पंजाबी हूँ, तो पंजाबियों का क्या है साथ में प्याज खाना उनको पसंद है, टेस्टी लगता है। बहुत बहुत अच्छा साथ में थे, बहुत बढ़िया खाना, दाल बढ़िया, मटर पनीर समय अच्छा खाना बढ़िया, जिला परिषद कार्यक्रम जी का पोता छोटे भाई का और सही बताऊं आज हम पहली बार मैंने ये खाना खाया है, वो भी आपकी मीटिंग में सुबह से थे तो भूख लगी थी, और जब आपसे चर्चा हुई तभी हमने आके खाना खाया है, और मैंने बाजार में देखा है जी जो जैसे रेलवे स्टेशन के नजदीक या सरकारी हॉस्पिटल रहता हूँ, गरीब लोग ऐसे हैं जिनके पास आठ रुपये भी नहीं है भोजन देने के लिए, वहन करने के, पर यहाँ के जैसे सेठ लोग हैं या कोई व्यापारी लोग हैं, जैसे नगर परिषद के भी गणेश दास जी बंसल जी हमारे यहाँ पे, तो ये जो शहर में जो गरीब लोग हैं उनका पैसा मिलता है तो वो वहन करते होंगे। मैंने देखा कि इंदिरा आवास के जो रेलवे स्टेशन पे और सरकारी हॉस्पिटल या बस स्टेशन के नजदीक वहाँ पे पता चलता है साथ ही गरीब लोग खाना खाते हैं, हमारे यहाँ जैसे व्यापारी उन्होंने कह रखा है जैसे 100 मेरी तरफ से खिला देना, 100 मेरी तरफ से, ऐसे ऐसे व्यापारी हैं बहुत सारे, मानगढ़ की जो जनता है बहुत इस मामले में बहुत अच्छी है, राजस्थान की क्या चलती है सर, एनजीओ भी बच्चों को यहाँ खिलाया दूध खिलाते हैं, और वैसे वो व्यापारी मालूम है व्यापारी को तो बच्चों को यहाँ के खिलाते हैं, तो जैसे मानगढ़ के चेयरमैन गणेश राजी बंसल जी कोई चीज की कमी आने नहीं देते सर, अब सर बोलने जा रही है कभी कहीं कोई जरूरत हो तो किसी चीज की दिक्कत, कोरोना में इतना दिक्कत थी तो उन्होंने सारी व्यवस्था कराई थी, गणेश राजी चेयरमैन अपने सभापति चेयरमैन गणेश राजी कोरोना में सर खुद जेब से पैसे दे देंगे, हरेक धर्मशाला में 26 जनवरी की तैयारी चल रही है, बच्चे जाते हैं वहाँ अपने जाते थे स्टेडियम में, तो एक दिन कहने लगे बच्चे कहते सर भूख लगी है, मैंने कहा वो कपिल जी की रसोई है बस स्टैंड, मैंने कहा वैन वाले को मोहल्ले में सीधा भेज ले जाना खाना खिला के लिए, बारह दो यात्रा में जाता दोसा में हमने ये बहुत अच्छा था, मिला भी खा और वहाँ पे दोसा में हमने इंदिरा रसोई में खाना खाया था, वहाँ पे उस दिन जो पूरियों का कोई वो दिन था जिसने पूरियां नहीं ली थी, बड़ा अच्छा लगा जी वहाँ पे, बड़ी मेहरबानी सर। एक आपने जो मेरी राउस मंडी को जो लोबी का भूमि दी थी आपने पहले आपके शासन में, वो कामयाब हो गई एकदम बढ़िया, इसलिए आपको डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
धन्यवाद।